जहां एक ओर भाजपाई अपनी सरकार के बजट के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना करते हुए विपक्ष का धर्म निभाने में जुटी है। अलवर में कांग्रेसियों द्वारा नगली सर्किल पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि बजट में अलवर की अनदेखी की गई, वहीं अलवर में रुके हुए विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर योगेश मिश्रा, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, नरेंद्र मीणा, प्रदीप सिंह और नीलेश खंडेलवाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। पूरी तरह निराशा में है वसुंधरा राजे। इतने दिन अलवर रही, क्या उन्होंने देखा नहीं अलवर शहर की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी निराशा कि जिस तरह से अलवर शहर, पूरे अलवर जिले ने उनको हराया है, तो भी उनकी आंख नहीं। उनके लिए शर्मनीय घटना है, ये बीजेपी के लिए शर्मनाक बात है कि अलवर शहर और अलवर जिले को उन्होंने कोई सौगात नहीं दी जो अपेक्षित थी, जो उन्हें देनी चाहिए थी। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जनता की कृपा से कांग्रेस 2 लाख वोट जीती है और वसुंधरा सरकार ने जो अलवर जिले की जो अनदेखी करी है, खासकर अलवर शहर की जो अनदेखी करी है, उसके विरोध में आज हम सब कांग्रेसजनों ने इकट्ठा होकर के उसके विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। और आगे भी ऐसे विरोध प्रदर्शन अगर अलवर की अनदेखी करी तो हम सब लोग मिलकर करते रहेंगे। उसमें आपका सबका सहयोग अपेक्षित। पुतला दहन किया है उसका, ये वसुंधरा राजे का पुतला दहन किया गया था, क्योंकि हमारे अलवर शहर तो जिस तरह से इन्होंने बजट में अपेक्षा का शिकार किया है, आप देखिए इतना बड़ा रेवेन्यू अलवर जिले से जाता है। वसुंधरा राजे जब जब अलवर जिले में आई है, अधिकांशतर रेवेन्यू कलेक्शन के मामले भिवाड़ी और इस तरफ आई है, उसके बाद भी अलवर जो इतना टकटकी लगाए बैठा था, हमारी जो मेडिकल कॉलेज की आस थी, हमारा चंबल का जो पानी की आस थी, हमारा मिनी सेक्रेटरी की आस थी, इस तरह बहुत सारी योजनाएं थी जो पूर्ववर्ती इन लोगों ने 4 सालों में घोषणाएं की, उसके बाद भी इन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया।